अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई लोग? तबीयत सही है, खैरियत है, हमने मज़े में। तो आज जो है हम स्नोबोर्डिंग करने जा रहे हैं ओगेंगी जिसका। तो अभी जो है यहाँ पे हम एक जगह पे रुके हैं थोड़ी देर तस्वीरें वस्वीरें बनवाने के लिए। तो असल जो हम जा रहे हैं स्नोबोर्ड करने जा रहे हैं, और स्नोबोर्ड जो है ना, आई लव स्नोबोर्डिंग। उसमें भाई उस्ताद है, उसमें असद भाई बेस्ट स्नोबोर्डर है। आज देखना मैं आपसे वो रेस होती है ना स्नोबोर्डिंग, हाँ। रेस में जीतूंगा मैं। चलो ठीक है, आज हम मैं और असद भाई आज स्नोबोर्डिंग में रेस लगाएंगे। और देखो मेरा जो है ना लाइफ में यही है कि एंजॉय करना चाहिए। सही है। तो स्नोबोर्डिंग वन ऑफ द थिंग है जो मुझे मस्त करनी है, मतलब पहले भी की है लेकिन अभी मैं जब अच्छा हुआ पिछले साल जब करने लगा तो फिर सर्दियाँ खत्म हो गई। गोला खाओ। तो अभी एक और चीज़ करनी है, वो है मुझे जहाज से कूदना एक बार। असद भाई आपका है इस तरह कोई जहाज से कूदने? मुझे कूदना खुदकुशी का कोई शौक नहीं है। नहीं, मैं एक बार जहाज से ना कूदना चाहता हूँ मैं, और बाकी स्नोबोर्ड में स्नोबोर्ड आज मैं कर रहा हूँ। बहुत ठंड है भाई। आपका कुछ है लाला इस तरह का कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में? बंजी जंप करूँगा। बंजी जंप लाला करेगा? मैं बंजी जंप में सीधा हूँ, बंजी जंप छोटी हाइट है, मैं जहाज से कूदूंगा एक बार। करते हैं इंशाल्लाह। आप कूदना है? करो, मैं नीचे से देखूंगा। चले तीसरे पार्ट हम जब जो है, और हम आपको मिलाते हैं हमारे जो है हमारे अनीस साहब से। ये हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे उस्ताद अनीस साहब। अनीस साहब कैसे हैं जी? खैरियत है जी। बर्फ़ का देखा आपने? जी बिल्कुल, बर्फ का नज़ारा मैंने। जापान में हिस्टोरिक इतनी बर्फ़ हुई है, 2 मीटर से ज़्यादा हुई है बाज़ इलाकों में। सही। अभी ये तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। सही। तो इतनी बर्फ़ दिसंबर के मिड में जापान में कभी नहीं हुई। कभी नहीं, फर्स्ट टाइम जी। थोड़ा सा उधर भी जाके देखते हैं। चले हालात, चले हालात है ज़िंदगी यहाँ की, आपको दिखाते हैं हम। The places that I've been, the faces mine offend, the fumbling in though with murky miles ahead, the fate sings softer there. तो अभी जो है हम पहुंच गए स्नोबोर्डिंग वाले एरिया में, और अभी हम पहाड़ी की टॉप पे जा रहे हैं, और असद भाई भी मेरे पीछे आ रहे हैं। तो मैंने जो है मेरे साथ होता है मेरा अपना स्नोबोर्ड में लेके आया हूँ, असद भाई करेंगे इसकी और मैं करूँगा स्नोबोर्ड। और ये आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। कैसा है, मज़ा है ना? और बर्फ़ भी गिर रही है। प्योर परफेक्ट देसी खाना, थैंक्स टू अनीस साहब। कड़ी पकौड़ा और सात पराठे। और इतने ठंडे मौसम में, स्की के बाद स्नोफॉल हो रही है पीछे स्टिल,